एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो डायमंड स्लेयर कॉप्स की यूनिफॉर्म पहन लेता है और रोकोडाकी उसे उसके न्यू यूनिफॉर्म की खासियत बताता है और वो उसे एक स्पेशल टाइप का बॉक्स देता है जो कि काफी हल्की लकड़ी से बना होता है ताकि नेजुको सुबह के टाइम सेफ रहे। तब तांजीरो नेजुको को साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है और चलते चलते वो नॉर्थ वेस्ट टाउन पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सभी लोग उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरी रात एक लड़का जिसका नाम काजुमी है उसकी फियांसे गायब हो जाती है। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाता है और सारी बात पूछने लगता है। अब काजुमी तांजीरो को उस जगह पर लेकर जाता है जहां से उसकी मंगेतर गायब हुई थी और तांजीरो उस जगह की गंध लेने लगता है जिससे उसे उस राक्षस की गंध मिल जाती है। अब तांजीरो पूरे शहर में उस राक्षस को ढूंढने लगता है और तांजीरो उस लड़के को बताता है कि मैं उसी राक्षस को मारने आया हूं। और हम देखते हैं ढूंढते ढूंढते अब रात हो जाती है और दूसरा लड़का तांजीरो को कहता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह उसे ढूंढ लेंगे। तब तांजीरो कहता है राक्षस रात को निकलते हैं, सुबह को कोई फायदा नहीं होगा तो हमें रात को ही उसे ढूंढना पड़ेगा। यहां दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोने के लिए जारी होती है और उसके पीछे हमें एक परछाई देखने को मिलती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है नीचे से दो हाथ आते हैं और उसे जमीन के अंदर ले जाते हैं और इस तरफ तांजीरो को उस राक्षस का एहसास होता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब भागते भागते वो एक घर के पास पहुंचता है। तब काजुमी को पता लग जाता है कि तांजीरो डायमंड स्लेयर का मेंबर है और यहां तांजीरो को एक लड़की और राक्षस की महक आती है और वह उनको ढूंढने लगता है और तभी तांजीरो को वह महक काफी तेज आने लगती है और जैसे ही वो जमीन पर अपनी तलवार मारता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और वह उसे जमीन के अंदर से बाहर खींच लेता है और हम देखते हैं कि वो राक्षस जमीन से बाहर आ जाता है और तांजीरो को पता लगता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं और तब तांजीरो उस लड़की को काजुमी के हाथों में सौंप देता है और कहता है इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो को पता लगता है कि ये एक नहीं तीन है, मतलब एक ही राक्षस के तीन रूप। और यहां दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं कि केवल एक ही राक्षस है जिसको शायद पता हो कि तुम्हारी बहन को दोबारा इंसान कैसे बनाया जा सकता है और वो सबसे पहला राक्षस है जो कि हजारों सालों से इस धरती पर घूम रहा है जिसका नाम है मुजान कीबुत्सुजी। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षसों पर हमला कर देता है पर वो उसके गले को मिस कर जाता है और तांजीरो केवल राक्षसों के हाथ ही काट पाता है जो कि कुछ ही सेकंड्स में वापस उग आते हैं। तब वह राक्षस उस लड़की और लड़के पर हमला कर देते हैं और तांजीरो उनको बचाने लगता है। तब उनमें से एक राक्षस कहता है कि मुझे ये 16 साल की लड़की दे दो क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। तो दूसरा राक्षस कहता है मैंने तो इस शहर की बहुत सारी 16 साल की लड़कियों को खाया है और वो बहुत स्वादिष्ट थी। तब उनमें से एक राक्षस काजुमी को उसकी मंगेतर के हेयर पिन दिखाता है और बताता है कि मैं उसे खा चुका हूँ और वो सारे राक्षस तांजीरो पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से तांजीरो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। पर तभी नेजुको उस बक्से से बाहर आ जाती है और एक राक्षस के कान के नीचे बजाती है। तब राक्षस कहता है कि एक राक्षस और तलवारबाज इकट्ठे काम कैसे कर सकती हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि उरोकोडाकी तांजीरो को बताता है कि मैंने नेजुको को कहा है कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं और अगर कोई राक्षस किसी इंसान पर हमला करे तो तुम्हें उसको खत्म करना होगा क्योंकि सभी इंसान तुम्हारी फैमिली हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।